शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। हमारे जीवन के सारे दुखों को खत्म करने का सामर्थ्य शिक्षा में होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छा शक्ति और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बने, उसी का नाम है शिक्षा। इसलिए शिक्षा स्वयं ग्रहण करें और किसी को शिक्षित करने में योगदान दे सकते हैं तो ऐसा जरूर करें। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज लक्षद्वीप और केरल में कार्यक्रम। लक्षद्वीप में दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। केरल के त्रिशूर में विशाल सभा को करेंगे संबोधित, लाखों महिलाएं होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। भारतीदासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर की एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक। कहा, केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी जारी। खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता पर दिया बल। पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर। प्रशासन ने मंगलवार को शोपियां जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर रचा इतिहास। और वर्ष 2023 के दौरान देश ने कोयला उत्पादन में हासिल की भारी वृद्धि। उत्पादन 2022 के 83.86 मिलियन टन के आंकड़े को पार करते हुए 92.87 मिलियन टन तक पहुंचा। सुप्रभात में बात विस्तार से। तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर हैं, जहां आज उनका व्यस्त कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 12 बजे लक्षद्वीप के कवरत्ती पहुंचेंगे, जहां वो 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री कदमत में निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पादन होगा। प्रधानमंत्री अगत्ती और मिनिकॉय द्वीपों के सभी घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन यानी FHTC भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये पेय परियोजनाएं द्वीपों की पर्यटन क्षमता को मजबूत करने में भी मदद करेंगी, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन परियोजनाओं में सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है, जो लक्षद्वीप की पहली बैटरी समर्थित सौर ऊर्जा परियोजना है। इससे डीजल आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री कल्पेनी में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के नवीनीकरण की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 5 द्वीपों एंड्रोथ, चेटलाट, कदमत, अगत्ती और मिनिकॉय में 5 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचेंगे और करीब 3:30 बजे त्रिशूर में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। शाम को करीब 4:15 बजे प्रधानमंत्री केरल के त्रिशूर में ही विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। महिलाओं की इस सामूहिक सभा को नाम दिया गया है स्त्री शक्ति मोदिक ओपम, यानी मोदी के साथ सशक्त महिलाएं। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण विधेयक को सफलतापूर्वक पारित करने के लिए प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए भाजपा की केरल इकाई ने इसका आयोजन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लक्षद्वीप के अगत्ती में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि गरीबों के पास घर हो, टॉयलेट हो, बिजली गैस जैसी सुविधाओं से कोई भी वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि अगत्ती सहित पूरे लक्षद्वीप के विकास के लिए भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। लक्षद्वीप की पहली पोल बल्क स्टोरेज फैसिलिटी कवरत्ती और मिनीकॉय आइलैंड में बनाई गई है। अब यहां अनेक सेक्टर्स में रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। बीते एक दशक के दौरान अगत्ती में विकास के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। विशेष रूप से हमारे मछुआरे साथियों के लिए हमने यहां आधुनिक सुविधाएं बनाई हैं। अब अगत्ती में एयरपोर्ट के साथ साथ आइस प्लांट भी है। इससे सी फूड के एक्सपोर्ट और सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़े सेक्टर के लिए यहां नई संभावनाएं बन रही हैं। अब तो यहां से टूना फिश भी एक्सपोर्ट होने लगी है। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप की प्रगति से संबंधित पहलुओं पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने, स्थानीय संस्कृति की रक्षा करने और लोगों के लिए समृद्धि के रास्ते सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ ही लक्षद्वीप के लोगों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सोमवार को किया। इनमें विमानन, रेल, सड़क, तेल, गैस, जहाजरानी और उच्च शिक्षा से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी का अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है। आजादी का अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल भारत को डेवलप नेशन बनाने के हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू शामिल है। इसलिए मैं इसमें तमिलनाडु की विशेष भूमिका देखता हूं। तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है। तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है। संत तिरुवल्लुवर से लेकर सुब्रमण्यम भारती तक अनेक संतों ज्ञानियों ने अद्भुत साहित्य की रचना की है। सीवी रमन से लेकर आज तक अनेकों अद्भुत साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेन इस मिट्टी ने पैदा किए हैं। इसलिए मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है। रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों के घर हों या अस्पताल, आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकॉनमी में है। भारत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। ये न कुटुंब में पिछले 10 वर्षों में
भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है। रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों के घर हो या अस्पताल, आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में है। आज भारत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है। तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का दौरा किया। ये टर्मिनल भवन 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। 2 स्तरीय नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन सालाना 44 लाख से अधिक यात्रियों और व्यस्त समय के दौरान लगभग 3,500 यात्रियों को सेवा देने की क्षमता रखता है। नए टर्मिनल में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुख सुविधाएं और विशेषताएं हैं। मुदलिल उंगल अनेवरकुम 2024 पुत्तांड नलवाचककल। I wish that the year 2024 is peaceful and prosperous for everyone. It is a privilege that my first public program in 2024 is happening in Tamil Nadu. Today's development projects worth nearly ₹20,000 crore will strengthen Tamil Nadu's progress. I congratulate you for these projects spanning roadways, railways, ports, airports, energy and petroleum pipeline. Many of these projects will boost ease of travel and also create thousands of employment opportunities. प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे युवा लोगों की क्षमता पर भरोसा है कि वे 2047 के साल को हमारे इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बनाने में योगदान देंगे। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के त्रिची में भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारती दासन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह बेहद खास है क्योंकि ये नए साल 2024 में उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि भारती दासन विश्वविद्यालय को अलग तरीके से बनाया गया था। इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय बनाने और एक मजबूत और परिपक्व नींव प्रदान करने के लिए कई मौजूदा प्रतिष्ठित कॉलेजों को एक साथ लाया गया था। यही विशेषता इस विश्वविद्यालय को कई क्षेत्रों में प्रभावशाली बनाती है। Many existing and prestigious colleges were brought under your university. Some of these colleges already had a track record of producing great people. So Bharatidasan University started on a strong and mature foundation. This maturity has made your university impactful in many domains, whether
इट इज ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, साइंस और इवन सैटेलाइट्स। योर यूनिवर्सिटी मेक्स अ यूनिक मार्क। एनद मानव कुटुंब में अवर नेशन एंड सिविलाइजेशन हैव ऑलवेज बीन सेंटर्ड अराउंड नॉलेज। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों के दौरान गति और पैमाने के संदर्भ में विद्यार्थियों के साथ कदम मिलाकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से दोगुनी बढ़ाकर लगभग 150 करने और 2014 में 100 से भी कम रहने वाली स्टार्टअपों की संख्या के बढ़कर लगभग 1,00,000 हो जाने के तथ्य का उल्लेख किया। तमिलनाडु हैज ए वाइब्रेंट कोस्ट लाइन, सो यू वुड बी हैप्पी टू नो दैट द टोटल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया हैज डबल्ड सिंस 2014। द स्पीड ऑफ रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन इन द कंट्री हैज ऑलमोस्ट डबल इन द लास्ट 10 ईयर्स। द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स in the country has grown to almost 1,00,000. This was less than 100 in 2014. India has also sealed a number of trade deals with important economies. These deals will open up new markets for our goods and services. They also create countless new opportunities for our youth, whether it is strengthening institutions like the G20, fighting climate change, or playing a bigger role in the global supply chain. India is being welcomed as a part of every global solution. प्रधानमंत्री ने जहां देश के दक्षिणी हिस्से में युवा शक्ति को संबोधित किया, वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल देश के उत्तरी हिस्से में युवा शक्ति से वार्ता करेंगे। उपराष्ट्रपति 4 जनवरी यानी कल जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जम्मू के शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के 8वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कठुआ में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो के उद्घाटन समारोह में भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने नए साल के आगाज के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से औपचारिक मुलाकात की। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति से मिलकर सदैव सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। साथ ही उन्होंने उपराष्ट्रपति को स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया। विधानसभा चुनाव में मिली बीजेपी को जीत के बाद वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति के बारे में सोमवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। नई दिल्ली में हुई इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल दुल्लो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान गृहमंत्री ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा एजेंसियों के जरिए डोमिनेशन प्लान की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र में स्थानीय खुफिया नेटवर्क को मजबूत करने की जरूरत पर भी बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने आतंक संबंधी घटनाओं और घुसपैठ की घटनाओं में महत्वपूर्ण गिरावट और कानून और व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार के लिए सुरक्षा एजेंसियों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रयासों की सराहना भी की।
हिट एंड रन को लेकर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल समाप्त होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के लोगों से बात की जाएगी, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वाहन चालकों से अपने अपने काम पर लौटने की अपील की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सभी ड्राइवरों से हड़ताल को खत्म करने का आह्वान किया है। हिट एंड रन मामलों के लिए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत जेल और जुर्माने के कड़े प्रावधान के खिलाफ ट्रक, बस और टैंकर ऑपरेटरों ने सोमवार को 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मंगलवार को शोपियां जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। इस योजना का लक्ष्य पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के साथ साथ 5 से 7 दिनों के बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक के उन्नत प्रशिक्षण के साथ 500 रुपये प्रतिदिन के वजीफे के साथ लोगों की कारीगरी और शिल्प को पहचान दिलाना है। ये योजना प्रशिक्षित विश्वकर्माओं को 15,000 रुपये का आधुनिक टूल किट मुफ्त प्रदान करेगी। इसके अलावा क्रेडिट आधारित सॉफ्ट लोन के साथ जुड़ाव और उनके व्यवसाय के विस्तार के लिए विपणन सहायता भी योजना के तहत प्रदान की जाएगी। ये योजना जम्मू कश्मीर के शिल्पकार समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कोयला मंत्रालय ने दिसंबर 2023 के दौरान कुल कोयला उत्पादन में भारी वृद्धि हासिल की है। उत्पादन पिछले वर्ष के 83.86 मिलियन टन के आंकड़े को पार करते हुए 92.87 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ये 10.75% की वृद्धि को दर्शाता है। कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन दिसंबर 2023 में 8.27% की वृद्धि के साथ 71.86 मिलियन टन हो गया है, जबकि दिसंबर 2022 में ये 66.37 मिलियन टन था। संचयी कोयला उत्पादन दिसंबर 2023 तक बढ़कर 684.31 मिलियन टन हो गया है, जबकि वित्तीय वर्ष 22-23 की समान अवधि के दौरान ये 608.34 मिलियन टन था। ये उत्पादन में 12.47% की वृद्धि को दिखाया गया है। अब बात करते हैं अयोध्या के राम मंदिर की। अयोध्या के राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति फाइनल हो गई है। इसे कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने लिखा कि जहां राम है वहां हनुमान है, कर्नाटक हनुमान की भूमि है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए ये एक महत्वपूर्ण सेवा है। उधर भाजपा नेता येदियुरप्पा ने भी योगीराज को बधाई दी और इसे राज्य के लिए गौरव का पल बताया। रामलला की प्रतिमा तैयार करने वाले 37 साल के अरुण योगीराज मैसूर महल के कलाकारों के परिवार से आते हैं। अरुण योगीराज ने ही जगतगुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया था, जिसे केदारनाथ में स्थापित किया गया है। इंडिया गेट पर 2022 में स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा भी अरुण योगीराज ने ही बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह के लिए रामलला की 3 प्रतिमा बनवाई गई थी। तीनों की लंबाई 51-51 इंच है। तीनों प्रतिमाओं में कमल आसन पर विराजमान रामलला के 5 साल के बाल स्वरूप को दर्शाया गया है।
इसमें एक प्रतिमा मकराना पत्थर और दो कर्नाटक के पत्थरों से तैयार की गई है। आपको बता दें कि राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली प्रतिमा का चयन 31 दिसंबर को कर लिया गया था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से राम भक्तों में उल्लास है, लेकिन परंपरा के अनुसार रामलला के दर्शन से पहले हर आम और खास को लेनी होती है हनुमानगढ़ी के हनुमान जी से आज्ञा। इस परंपरा को जानने के लिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंची संसद टीवी की टीम। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं संसद टीवी की इस विशेष रिपोर्ट के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। हम अयोध्या की पावन नगरी हैं और पावन नगरी में है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मंदिर है और ये मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में हनुमान जी से आज्ञा लेने के पश्चात ही आप राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर सकते हैं। हम जा रहे हैं हनुमान जी के पास, उनसे आज्ञा लेंगे और उसके पश्चात ही रामलला के दर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ी के इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए पहुंचने के लिए इन 84 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है और 84 सीढ़ियां आपको पता ही होगा, कोई भी धार्मिक स्थल होता है तो 84 कोस की जो है परिक्रमा होती है, तो पवित्रता जुड़ी हुई है 84 इस अंक से। यहां पर जो है 84 कोस की परिक्रमा नहीं है बल्कि 84 सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर हम हनुमानगढ़ी के इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखिए, कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे, तो ये हनुमान जी का मंदिर है, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर, और ये एक किला है भगवान श्री राम का मंदिर जो जन्मभूमि है। उससे जस्ट पहले जब भी जो प्रधानमंत्री जी आते हैं तो वो भी पहले राम हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद राम जन्मभूमि का दर्शन करते हैं। तो यहाँ का मान्यता ये है कि आप जब दर्शन करेंगे तो पीछे राम दरबार है, पीछे राम दरबार है और राज गद्दी, गद्दी पे हनुमान जी विराजमान हैं। तो कहीं भी फोटो में देखेंगे आप तो हनुमान जी चरण में हैं, हनुमान जी चरण में हैं और भगवान श्री राम गद्दी पे हैं, और यहाँ पे आप दर्शन करेंगे तो हनुमान जी गद्दी पर हैं और राम जी पीछे हैं, खड़े हैं। तो ये यहाँ के हनुमान जी यहाँ पर राजा के रूप में विराजमान हैं, और जब भगवान श्री राम साकेतवास जब जा रहे थे तो अयोध्या का राजा हनुमान जी को ही बनाया गया था।